हरियाणा सरकार में अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर मनीष ग्रोवर ने हांसी नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाई है। 16 जनवरी को हांसी में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मंत्री ने नगर परिषद अधिकारियों तथा नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि की बैठक ली। इस दौरान पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व हाल ही में भाजपा में शामिल हुए विरोध भैना भी मौजूद थे। मंत्री मनीष ग्रोवर ने अधिकारियों को कहा कि अरे सफाई देखनी है तो रोहतक आगे देखिए। हांसी की बद से बदतर हुई सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। बता दें कि हांसी सफाई के मामले में हरियाणा का सबसे गंदा शहर माना जा रहा है। आलम यह है कि हांसी की ऐतिहासिक लाल सड़क पर और लड़कियों के सबसे बड़े सरकारी स्कूल की दीवार के साथ गंदगी के इतने बड़े ढेर लगे होते हैं जितनी गंदगी पूरे शहर में नहीं होती। नगर परिषद कार्यालय भी यहां से कुछ फरलांग की दूरी पर ही है, लेकिन अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंदे रखने की ठान रखी है। सफाई व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, लिहाजा मंत्री ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। वहीं मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि चूंकि सीएम ग्रांट से पैसा आया हुआ है इसलिए इसे लगाया जाए। आइए सुनते हैं मनीष ग्रोवर ने बैठक में और क्या कहा। आप उसकी 10 गाड़ियों की और मांग लो, 20 गाड़ियों की आप 10 की और मंगवा लो। ठीक है, पैसे नहीं है तो सीएम अनाउंसमेंट पर ले लो। नहीं, वो टेंडर लगा दिया ना। मेरी सुन लो मेरी बात, आप 10 गाड़ियों की अभी आपकी परमिशन आ गई है, इसकी कंपनी से लेनी है। कंपनी से 3-4 रेट मंगा के उसको दे दो। छोटी गाड़ी लेनी है वो जो ठीक है, 10 गाड़ियों के लिए और 20 गाड़ियों कर लो। फंड नहीं है तो उसको सीएम अनाउंसमेंट डलवा। ठीक है जी, मुझे सीएम अनाउंसमेंट में से 50-60 करोड़ का डालना डाल के दे दो। वो सर ठीक है, एस्टीमेट करके तैयार करके बिल्कुल फाइनल वो कर देंगे। पैसे के बिना काम ना, पैसे की मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, काम होना चाहिए। ये बता दो किस तरह कारण है, काम करने हैं ना। हाँ करने हैं जी काम तो। एक तो डीसी साहब जो आप कह रहे थे ना कि आप बीएनआर से बनवा लेंगे, तो मैंने उस दिन ईओएमई से मेरी बात हुई थी, ये कह रहे हैं हमारी नगर परिषद ही बना देगी। उससे वो स्टे आड़े नहीं आएगा, तो ये बना लेंगे तो क्या दिक्कत है। सीएम अनाउंसमेंट आएगा जैसे स्टे भी बना रहेगा, उसको पड़ा रहेगा साइड में। वो सीएम अनाउंसमेंट पैसा नगर पालिका का प्रस्ताव है ना, इसमें स्टे है ना। सीएम अनाउंसमेंट में तो स्टे नहीं है ना। आप सीएम अनाउंसमेंट बात करो, वो तो सीधी सी बात है यार, तुम्हारे एजेंडे पे स्टे है। तुम्हारे पास कर्मचारी कर्मचारी हमारे पास लेडीज है 80% 20% नहीं तो आप ठेका पे छुड़वा। अब ये शुक्रवार को डोर टू डोर 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 ठेका ले लोगे लगा दिया जी पीछे, उसमें दो एजेंसी। अरे मेरे रोहतक की सफाई देख के आ जाए जी। कैसे ये हांसी के कुछ एस्टिमेट आए हुए आपके पास? हाँ जी, नहीं डीसी के थ्रू गए, ये हमारे नगर पालिका से गए हैं यहाँ से गए। डीसी के थ्रू नहीं गए, पहले भी।